मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डीएनसी का प्रोसीजर, डायलेशन एंड क्यूरेटाज का प्रोसीजर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराती हैं तो क्या आपको पेन ज्यादा होता है या पेन फील होता है रेदर देन अगर आप उसको प्राइवेट सेटअप पे कराती हैं, या क्या अगर आप उसको प्राइवेट में कराती हैं तो आपको दर्द नहीं होगा और गवर्नमेंट में कराने से आपको दर्द होगा। तो इस प्रोसीजर और इस चीज के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे लगा कि ऐसे डाउट और लोगों के भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, जो डीएनसी का प्रोसीजर है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे होता है, बट अगर मोटी तौर पे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए तो उसमें सर्विक्स को, मतलब बच्चेदानी के मुंह को डायलेट करके खोला जाता है। उसमें इंस्ट्रूमेंट से अंदर एंट्री की जाती है और अंदर से जो क्यूरेट है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से अंदर की लाइनिंग को खुरच कर निकाल दिया जाता है। ये बेसिकली होता है डायलेशन एंड क्यूरेटाज प्रोसीजर में। तो आप ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जो आपकी ओपनिंग है, मतलब जो आपका यूट्रस है उसकी जो ओपनिंग है सर्विक्स, उसको खोला जाता है और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डाल के अंदर की लाइनिंग को निकाला जाता है, तो डेफिनेटली जब कहीं पर भी खुरचा जाएगा तो पेन महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो क्या इस प्रोसीजर में स्वाभाविक है ये पेन महसूस होना? तो देखिए, जो ये प्रोसीजर है ये आपका एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये बात हमें पता है। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन रिसीव हुआ था वो क्वेश्चन ये था कि अगर ये प्रोसीजर हम गवर्नमेंट में कराते हैं तो हमें दर्द ज्यादा होगा, और अगर हम इसे प्राइवेट में कराते हैं तो क्या हमें दर्द नहीं होगा? तो देखिए, सेंटर का इसमें मैटर नहीं है कि आप इसे गवर्नमेंट में करा रहे हैं या आप इसे किसी प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं। जो ये पेन है ये आपको कंट्रोल करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, और ये एनेस्थीसिया दो तरह का हो सकता है, या तो लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है या फिर आपका जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है, जिसको हम LA या फिर GA बोलते हैं। अगर ये लोकल एनेस्थीसिया LA में किया जा रहा है तो इट मींस कि आपको लोकली उस एरिया को सुन किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है, आप जगे हुए हैं, लेकिन आपका जो वो पर्टिकुलर एरिया है वो एरिया सुन है, तो आपको पेन नहीं होगा आइडियली, ये माना जाता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया GA में प्रोसीजर किया जा रहा है तो वहां पर आप बेहोश हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कंप्लीटली बेहोश हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन आपके OT में आपके साथ है, कौन सा प्रोसीजर क्या हो रहा है आपके ऊपर, आपको कुछ नहीं पता, आप बेहोश हैं, प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद आप रिकवरी रूम में जाएंगी, रिकवर होंगी और उसके बाद आप होश में आएंगी। तो देखिए, अब बात करते हैं पेन की। तो जो पेन है वो लोकल एनेस्थीसिया में किसी किसी फीमेल को बिल्कुल महसूस नहीं होता, और किसी किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में भी पेन महसूस होता है और पेन काफी अच्छा महसूस होता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया है वो कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर कर देगा तो ऐसा नहीं है, उसमें आपको कुछ अमाउंट में फील हो सकता है कि हाँ ये प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में क्योंकि आप कंप्लीटली बेहोश हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट वाले सेटअप में दर्द हो रहा है और प्राइवेट में नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट में दर्द होगा, गवर्नमेंट वाले सेटअप में अगर आप क्लिनिक में कराएंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पेन होगा। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जो प्रोसीजर है वो लोकल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है या जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है। हो सकता है कि लोकल एनेस्थीसिया में आपका प्रोसीजर हुआ पर आपको बहुत हल्का सा पेन हुआ लेकिन आपको ज्यादा पेन नहीं हुआ, और जनरल एनेस्थीसिया में अगर प्रोसीजर होगा तो आपको किसी भी तरह का पेन नहीं होगा। अगर प्राइवेट सेटअप की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स भी इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको दर्द महसूस हो। इवन बहुत सारे जो ऐसे सेटअप्स हैं जो इतने अच्छी तरह डेवलप नहीं है, उन कुछ एक दो सेंटर्स की तो मैंने ऐसी भी बातें सुनी हैं कि वो जो सेंटर्स हैं जो कहीं पर गाँव देहात में बहुत दूरी पर हैं या वहाँ पर पेशेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं, वहाँ पर तो इस तरह की एक तरह से
माल प्रैक्टिस को बोल सकते हैं चल रही है कि पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया के भी, ना लोकल देकर ना जनरल एनेस्थीसिया देकर, कोई भी एनेस्थीसिया दिए बिना भी प्रोसीजर किया जा रहा है। महिला दर्द से तड़पती रहती है और उसके बाद भी प्रोसीजर कर दिया जाता है, तो ये तो कंप्लीटली माल प्रैक्टिस है, एकदम गलत है। अगर प्राइवेट सेटअप की बात करें कि वहां पर लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जा रहा है तो आपको थोड़ा पेन फील हो सकता है, जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाएगा तो कोई पेन महसूस नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या होगा। लेकिन क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए स्पेसिफिकली आपको जो है स्पेशलाइज डॉक्टर की जरूरत होती है, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, वो आते हैं तभी वो प्रोसीजर किया जा सकता है, वही जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ बेहोश नहीं करना है, बेहोश करने के बाद उस पेशेंट को रिकवर भी करना है, उसको सेंसेस में भी लाना है, जो कि जिसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत होती है। तो बहुत बार सेटअप्स में क्योंकि उस डॉक्टर को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है, एक्स्ट्रा पे करना होता है, तो पेशेंट के ऊपर भी इतना बर्डन, मतलब पेशेंट भी कई बार होता है कि उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा भी होता है कि क्योंकि पेशेंट पे नहीं कर सकते तो LA में प्रोसीजर कर दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेंटर्स होते हैं वो खुद इतने ग्रीडी होते हैं कि क्योंकि जो है जनरल एनेस्थीसिया में उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पे करना पड़ेगा, तो एट टाइम्स वो भी सिर्फ LA में प्रोसीजर करने को प्रेफर करते हैं और आपको बिना बेहोशी के प्रोसीजर कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आप पे कर सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया अगर जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर का कुछ चार्जेस होता है, आप पूछ सकते हैं, जहां पर भी आपको प्रोसीजर कराना है उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप इसको किस तरह करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया में करेंगे या जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, और अगर जनरल में करेंगे तो क्या चार्जेस हैं, आप उसके लिए अलग से डॉक्टर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बहुत सारी जगहों पे जहां पेशेंट्स को इतना पता नहीं होता, पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें बोल दिया जाता है कि जी हाँ एनेस्थीसिया में किया जाएगा, बट वो एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया होती है जिसके बाद पेशेंट को पेन भी होता है, पेशेंट को पता भी चलता है कि क्या प्रोसीजर हो रहा है, कंप्लीटली पेनलेस नहीं हो पाता है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया की अगर बात करें तो पेशेंट बेहोश होता है और प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये बात जान ली है कि सेटअप का फर्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट में करा रही हैं या फिर आप प्राइवेट में करा रही हैं, फर्क पड़ता है कि जहां पर भी आप करा रही हैं क्या वहां पर लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जा रहा है या फिर जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है। तो आप कहीं पर भी अगर ये कराएं तो उससे पहले जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पेन नहीं सहना चाहती, आप इतने मतलब टेंशन में है या इतना आप डर है और आप चाहती हैं कि मैं बिल्कुल बेहोशी में प्रोसीजर कराऊं, तो आप उनसे बात कीजिए कि क्या आप ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे और करेंगे तो क्या चार्जेस हैं, मुझे उसी में कराना है। तो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस फैक्टर चीज पर ये चीज़ डिपेंडेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर DNC से रिलेटेड या किसी भी फीमेल हेल्थ या बेबी केयर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसको आंसर करने की, और अगर मुझे लगेगा कि वो ऐसा क्वेश्चन है कि और फीमेल्स को भी उसके बारे में पता चलना चाहिए तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।